दोस्तों, तो आज की रेसिपी है फ्राइड एग। ये बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। आप इसे बहुत ही आसान तरीके से घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर फूड एंड मिसेस आर्ट। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में पानी लिया है और उसके बाद मैंने गैस ऑन करके पैन को गैस में रख दिया। उसके बाद मैंने इसमें दो एग ऐड करे हैं। दो एग ऐड हम बॉईल करने के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले हम हमारे एग को अच्छे से बॉईल कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जब तक हमारे एग बॉईल हो रहे हैं तब तक हम थोड़ी सी चॉपिंग कर लेंगे। मैंने एक प्याज थोड़ा सा चॉप कर लिया है फाइनली छोटे छोटे पीसेस में। उसके बाद मैंने हमारे टमाटर को अच्छे से चॉप कर लिया है, उसको भी बहुत अच्छे से चॉप करा है छोटे छोटे पीसेस में। इसके बाद मैंने हरा धनिया लिया है और हरा धनिया को भी मैंने अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। बस इसके बाद अब हम देखेंगे हमारे एग बॉईल हुए कि नहीं हुए। देखिए, हमारे एग अच्छे से बॉईल हो गए। बस अब हम गैस को ऑफ करके एग को उतार लेंगे। उसके बाद जो उसका छिलका है उसको अच्छे से निकाल लेंगे। हमारे एग का छिलका अच्छे से निकल गया। देखिए, दोनों एग का हमारा छिलका अच्छे से निकल गया है। बस अब हमें कुछ नहीं करना है। हमें गैस ऑन करके उस पर तवा रखना है और हल्का सा तवा गर्म हो जाए उसके बाद थोड़ा सा हमें तेल ऐड करना है। उसके बाद जो हमने हमारे दो एग बॉईल करके रखे थे उनको दो पीसेस में हम कट कर लेंगे। देखिए, जिस तरह से मैं वीडियो में कर रही हूँ उस तरह से कट करना है। उसके बाद हमें बस हमारे एग को थोड़ा सा फ्राई करना है। तो मैं फ्राइड एग बना रही हूँ इसलिए मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। अगर आप इसे बॉइल्ड ही बनाना चाहें तो आप बॉइल्ड भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है वो भी। बस अब हम इसे थोड़ा सा ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से। अब एक तरफ से हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसे दूसरी तरफ पलट के उसे भी इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, लाइट ब्राउन हो गया है। अब ये थोड़ी देर और फ्राई होगा। बस उसके बाद हम इसे गैस से उतार लेंगे। अब हम बस पलट के एक बार और देखेंगे कि दूसरे साइड से हमारा अच्छे से पका है या नहीं पका है। और हमारा दूसरे साइड से भी देखिए कितने अच्छे से ये पक गया है, पूरा ब्राउन कलर आ गया है। बस अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में अलग से, जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने चारों पीसेस को अच्छे से एक प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए कितने अच्छे से बॉईल हो गए और इनका कलर भी कितना अच्छा आया है। बस अब हमें कुछ नहीं करना है। मैंने थोड़ी सी काली मिर्च कूट के रखी थी उसको हम इसमें डालेंगे ऊपर थोड़ा सा। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे हमारे एग के ऊपर। इसके बाद जो हमने प्याज कट करके रखी थी उसको हम इसमें ऐड करेंगे और जो हमने हमारे टमाटर कट करे थे उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। देन इसके बाद लास्ट में हम इसमें गार्निशिंग करने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे ताकि ये अच्छा दिखे। बस अब हमारा फ्राइड एग ऑलमोस्ट रेडी है। ऑलमोस्ट रेडी इसलिए कह रही हूँ कि इसमें हमें एक चीज़ ऐड करना और बाकी है। इसमें मैं कैच का चाट मसाला और यूज़ कर रही हूँ, इससे टेस्ट और अच्छा आता है। तो दोस्तों, हमारा फ्राइड एग एकदम रेडी है। और दोस्तों, ये दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। और दोस्तों, आप मेरा यकीन मानिए, ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो आप एक बार इसको घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, याद से बेल आइकन को भी क्लिक करें। अगर आप बेल आइकन को क्लिक नहीं करेंगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास कैसे पहुँचेगा। और देखेंगे, अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो अगली वीडियो देखते हैं कैसी होती है और अच्छी करने की कोशिश करेंगे हम। आपका सपोर्ट मिलेगा तो प्लीज हमें लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। और जो नए लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और जिनने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।